आप देख रहे हैं आर्य भट्ट न्यूज खबर नालंदा से है। 10 नवंबर को जिले के सभी 7 विधानसभा के लिए मतगणना कार्य किए जाएंगे। कोविड-19 को देखते हुए इस बार 2 जगहों पर मतगणना कार्य किए जाएंगे। इसमें नालंदा कॉलेज और सोगरा कॉलेज है। नालंदा कॉलेज में 5 विधानसभा के लिए जबकि सोगरा कॉलेज में 2 विधानसभा के लिए मतगणना कार्य किए जाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा मतगणना के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। दोनों केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जो वज्र गृह की सुरक्षा में मुस्तैदी से दिन रात लगे हुए हैं। वहीं हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। नालंदा के DPRO रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 14 टेबल बनाए गए हैं, जहां मतगणना कार्य किए जाएंगे। मतगणना हॉल में जाने के लिए एजेंटों को भी अनुमति पत्र दिखाना होगा। कोरोना को देखते हुए दोनों केंद्रों पर बड़े बड़े LED लगाए जा रहे हैं, ताकि आसानी से लोग मतगणना कार्य को देख सकें। मतगणना के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया। यहाँ 2 सेंटर हैं, एक नालंदा कॉलेज में 5 विधानसभा क्षेत्रों का की काउंटिंग होगी और सुग्रा कॉलेज में इस्लामपुर और हिलसा विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग होगी। और कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ECI के दिशा निर्देश के अनुसार सारी तैयारियां की गई है। और पहले एक हॉल में 14 प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल हुआ करते थे, तो इस बार 7-7 के सेगमेंट में 2 पार्ट में बांटा गया है और हर टेबल पे 3 मतगणना के लिए 3-3 कर्मी रहेंगे। एक काउंटिंग सहायक होंगे और एक काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। और आप देख रहे हैं, और सभी के लिए मतलब आई कार्ड निर्गत किया गया है, और जो भी काउंटिंग एजेंट होंगे कैंडिडेट के, उनके लिए अलग से प्रवेश का देख रहे हैं। ये बैरिकेडिंग है और इसके माध्यम से अलग अलग सबके लिए डिजिग्नेटेड प्रवेश द्वार है, जिसके माध्यम से वो मतगणना केंद्र में जा सकते के लिए सभी जगह फोर्स डिप्लाई किए गए हैं। कहीं से भी कोई किसी तरह का कोई घटना नहीं घटित होगी, इसके लिए हम लोग पहले से सतर्क हैं, इसीलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आम लोगों से ये अपील करता हूँ कि हार और जीत बनी रहती है, भावना में न बहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। कहाँ से निकला सर ये फ्लैग मार्च? निकला है लहरी थाना से, जो हम लोग घूमते हुए अभी रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं।